स्वागत है गाइस आप लोगों का आज एक और नए दिन में। फरंगिट भैया, आज रोड इतना खाली क्यों है? हाँ भाई, पता नहीं यार आज क्यों ही रोड इतना खाली है, पर खाली कहाँ है सिंचन। वो देखो सामने, देखो एक बंदा शायद यहाँ गिरा हुआ है। अभी क्या हो गया यार, इसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या इसका? फरंगिट भैया चलो उसकी मदद करते हैं हम लोग। हाँ भाई चलो जरा पास चलते हैं। भाई क्या हो गया यार, कोई दिक्कत तुम्हें? फरंगिट भैया ये कैसा आवाज कर रहा है? हाँ भाई आवाज तो कुछ कर रहा है यार अजीब सा। उठो भाई क्या हो गया यार, इतना तुम्हें खून क्यों लगा है, क्या हो गया तुम्हें? उठ जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से। फरंगिट भैया इसका हाथ देखो यार, कितना अजीब सा लग रहा है। हाँ भाई हाथ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फरंगिट भैया चलो हम लोग पीछे इसे बिठा के हम लोग ले चलते हैं हॉस्पिटल पे। हाँ भाई आओ चलो सिंचन जल्दी से इसे ले चलते हैं। ओके गाइस तो चलो कार को मैंने यहाँ पे ला दिया है। फरंगिट भैया जल्दी करो यार, जल्दी बिठाओ इसे, नहीं तो इसे चोट लग सकती है। और हाँ भाई जल्दी करते हैं। एंड एक सेकंड, वहाँ दो लोग और दिखाई दे रहे हैं। फरंगिट भैया वहाँ पे वो डॉग्स कैसे घूम रहे हैं? भाई क्या हो रहा है यार, ये मुझे क्यों यार डर जैसा लग रहा है। फरंगिट भैया क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं और रोड खाली क्यों है? पता नहीं भाई सिंचन क्या हो रहा है यार, जरा इनके पास चले भाई, इन लोग से पूछते हैं रोड इतना खाली क्यों है। हाँ फरंगिट भैया चलो जल्दी से पूछो। अबे ये क्या, ये हमें डॉगी भाई यार दौड़ा क्यों रहा है यार? सिंचन कहीं ऐसा तो नहीं यार कि ये सब जॉम्बीज हैं? फरंगिट भैया सही कह रहे हो यार, ऐसा ही हो सकता है। अबे भाई सच में, सिंचन जल्दी उधर से निकल के आओ। गाइस यार जल्दी से हम लोग कार में बैठते हैं। ये देखो गाइस वो बंदा तो वहाँ खिसकते हुए चला गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यार कि रोड इतना ज्यादा खाली क्यों है, सारे लोग गायब है। हटो भाई, इसका मतलब गाइस कि ये सारे ही यार जॉम्बीज ही हैं। हाँ सही कह रहे हो फरंगिट भैया, जल्दी चलो घर पे। हाँ भाई घर पे चलते हैं फटाफट, पर उससे पहले ना सिंचन मैं ऐसा करता हूँ यार, मैं गन्स ले लेता हूँ अपने लिए। हाँ फरंगिट भैया सही कह रहे हो, गन्स हम लोग ले लेते हैं अपने सेफ्टी के लिए। बिल्कुल भाई, यहाँ देखो पूरे ही सिटी में आज जॉम्बीज आ चुके हैं, और ये कब हुआ यार हमें तो पता भी नहीं चला। फरंगिट भैया क्योंकि हम लोग घर में बैठे थे। हाँ भाई सही कह रहे हो। गाइस यार हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन के लिए गन्स वगैरह होने चाहिए। देख रहे हो भाई ये सब एकदम पीछे पड़ जा रहे हैं हम लोग के। आ जाओ सिंचन जल्दी चले अंदर। अबे भाई ये हमें चाकू मार दिया। फरंगिट भैया जल्दी इसे एक घोसा लगाओ, जल्दी बेहोश करो इसे। हाँ भाई रुको, यहाँ पे हमने लगाया इसको, भाई काटने बस नहीं देना है, और कुछ कर ले तो ठीक है चलेगा, क्योंकि ना गाइस फिर हम लोग भी यार जॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है सिंचन जल्दी आओ भाई यहाँ से, अभी गन्स ले हम लोग फटाफट। यहाँ का देखो ओनर भी गायब है। हाँ फरंगिट भैया यहाँ तो कोई है भी नहीं। बिल्कुल भाई, इसका मतलब हम लोग यहाँ से जो चाहे वो उठा सकते हैं। तो ठीक है भाई यहाँ पे मैं ग्रेनेड वगैरह और भाई यहाँ पे सारे तरीके के गन्स मैं ले लेता हूँ फटाफट। ठीक है फरंगिट भैया जल्दी जल्दी फिर सारे गन्स उठा लो आप। यहाँ देखो गाइस कई तरीके के गन्स हैं, सारे गन्स हम लोग जल्दी से उठाते हैं और बाहर निकलते हैं लेकर के। हाँ तो देखो भाई हमने यहाँ पे ये गन्स ले लिए हैं। मैंने भाई सिंचन को भी एक आग गन दे दिया है, क्योंकि गाइस उसे भी यार आज प्रोटेक्शन के लिए कुछ गन्स चाहिए। वहाँ देखो गाइस वहाँ सामने एक जॉम्बी दिखाई दे रही है मुझे, इसे हम लोग मार देते हैं जल्दी से। ओके गाइस तो इसे तो हम लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन सिंचन हमें यार घर चलना चाहिए जल्दी से। हाँ फ्रेंड भैया घर चलते हैं यार, यहाँ पे यार गन्स के साथ भी हम लोग सेफ नहीं है। बिल्कुल भाई घर चलते हैं, वहीं पे हम लोग सेफ रह सकते हैं। चलो गाइस फटाफट इस गाड़ी को ना यहाँ से टर्न करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। फरंगिट भैया लेकिन घर पे तो खाने पीने का सामान कुछ भी है ही नहीं। हाँ भाई ये तो बात सही कह रहे हो यार, खाने पीने का कुछ भी नहीं है, पर चल के ना एक बार हम लोग यार देख लेते हैं न्यूज़ पे क्या बता रहा है। हाँ फरंगिट भैया अगर ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स काफी दिन तक रहेगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी ना खाने पीने का इकट्ठा कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो सिंचन, अगर ये बहुत दिन तक रहने वाला है तो हम लोग जल्दी जल्दी खाने का इकट्ठा कर लेंगे सब कुछ भाई, क्योंकि यार जैसे वहाँ पे एम्यूनेशन पे कोई नहीं था ना, वैसे गाइस जो खाने पीने के स्टोर्स होंगे जैसे 24/7 या फिर और कोई भी स्टोर, वहाँ पे भी गाइस कोई भी नहीं रहेगा। हाँ फरंगिट भैया और सारे खाने इसका मतलब खराब हो जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो सिंचन, अगर ऐसा हुआ तो सारे खाने भी खराब हो जाएंगे और फिर गाइस हम लोग को यार भूखे रहना पड़ेगा। तो इससे पहले कि ऐसा हो हम लोग फटाफट चल के न्यूज पे देख लेते हैं और देखते हैं गाइस ये कब तक खत्म होने वाला है। भाई ये कैसे हुआ यार, पूरा जॉम्बी बन चुके हैं सब लोग। जॉम्बी मतलब समझ लो गाइस, ये लोग भाई किसी को भी खा जाएंगे, ये लोग गाइस इंसानों को भी मार सकते हैं, इतने भाई ये लोग बेकार हो जाते हैं। तो ठीक है गाइस ये देखो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। हटो भाई साइड हट जाओ सारे लोग। चलो यार सिंचन जल्दी चलो घर के अंदर, भाई देख लेते हैं यार घर में कोई नहीं तो घुस गया। फरंगिट भैया घुसना तो नहीं चाहिए किसी को घर के। अबे ये देखो यहाँ पे आ गया, अरे यार ये कैसे? फरंगिट भैया ऐसे तो ये लोग अपने घर में आ जा रहे हैं। अबे ये देखो यहाँ हमारे पीछे भी एक आ गया था, यहाँ एक और आ गया। फरंगिट भैया जल्दी करो यार इन सबको मारो आप। हाँ भाई यहाँ पे गन तो मेरे पास है और मैं भाई किसी को छोड़ने नहीं वाला हूँ। जो आप जल्दी से घर के अंदर चलो भाई, बाहर रहना सेफ नहीं है। गाइस यार ऐसे कैसे होगा यार, यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, अपना घर तो ऐसे बहुत ज्यादा अनसेफ हो जाएगा, हम लोग कब तक भाई गन लेके बैठे रहेंगे। फरंगिट भैया हमें अपने घर के चारों ओर कुछ प्रोटेक्शन बनाना पड़ेगा। ये देखो गाइस दो और आ गए, भाई एक एक करके सबको मारना पड़ेगा।
को तो अभी ये सब अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं गाइस कि ये सब ज़्यादा देर तक रुकेंगे ऐसे। देखो गाइस अपने मैप पे, यहाँ जो नीचे छोटा सा आपको लेफ्ट साइड में मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने सारे जॉम्बीज हैं। चॉप जल्दी अंदर जाओ भाई, यहाँ रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ चॉप तो अंदर चला गया। अबे चॉप लाइट नहीं है क्या गाइस? लाइट नहीं है, ये देखो भाई ये जॉम्बीज का करतूत देख रहे हो गाइज आप लोग, लाइट ही नहीं है। अबे भाई इसमें कैसे हम लोग देखेंगे न्यूज, इसमें तो न्यूज भी नहीं चलेगा। फ्रेंगी भैया कुछ भी हो यार, हमें जल्दी से अपने लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ देखो अपने घर में एक डॉग आ गया है, जल्दी भाई बाहर निकलते हम लोग यहाँ से। अबे भाई ये डॉग कैसे आ गया यार कहाँ से? फ्रेंगी भैया क्योंकि वहाँ का गेट खुला हुआ है। जल्दी भाई इन सबको मारते हैं। ये देखो भाई अंदर एक है, ये सब ज्यादातर ना भाई मुझे ही अटैक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। शिनचैन को नहीं कर रहे हैं, चॉप को नहीं कर रहे हैं। हाँ फ्रेंगी भैया क्योंकि आप बड़े हो ना। हाँ भाई इसीलिए लगता है। देख रो गाइस यहाँ दो थे और दोनों भाई मुझे अटैक किए जा रहे थे। फ्रेंगी भैया चलो मर गया ये। हाँ भाई ये तो मर गया, लेकिन गाइस यहाँ पे अभी और भी आते जाएंगे, इसका मतलब ना हमें यार प्रोटेक्शन तो कुछ बनाना पड़ेगा अपने घर के चारों ओर। तो हम लोग ऐसा करते हैं लेस्टर के घर चलते हैं, क्या पता भाई लेस्टर अभी घर पे मिलेगा कि नहीं। फ्रेंगी भैया एक बार कॉल लगा के पूछ लो उनसे। हाँ भाई रुको मैं कॉल लगाता हूँ अभी। ओके गाइस तो यहाँ पे मैंने कॉल लगा दिया लेस्टर को, रिंग जा रही है, उठाओ भाई जल्दी उठाओ। फ्रेंगी भैया कहीं वो भी जॉम्बी तो नहीं बन गए? नहीं भाई नहीं बनना चाहिए, उठाओ यार कितना टाइम लगा रहा है। हेलो फ्रैंकलिन कैसे हो? अबे भाई हाल बहुत बुरा है यार मैं क्या बताऊं। हाँ फ्रैंकलिन तुम्हें भी पता चला ना अपने लॉस एंड्रोस में जॉम्बी एपोकलिप्स आ चुका है और इससे हम लोग बहुत ज्यादा अनसेफ हो गए हैं। हाँ सही कह रहे हो यार, हम लोग बहुत ज्यादा अनसेफ हो चुके हैं और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ भाई तो क्या किया जाए यार बताओगे कुछ? फ्रैंकलिन मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं दूसरे कंट्री चला जाता हूँ। अबे भाई दूसरे कंट्री जाके क्या होगा यार, अपना घर छोड़ के ऐसे जाओगे? फ्रैंकलिन ये भी बात सही है यार, घर छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ तो यार मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग अपने घर पे, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ना एक पूरे घर के चारों ओर ना बाउंड्री बनाते हैं, जिससे भाई कोई भी जॉम्बी अपने घर में ना आ पाए। हाँ फ्रैंकलिन ये तो काफी सही आइडिया है। हाँ तो यार क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? बिल्कुल भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हाँ तो ठीक है भाई मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे, चलते हैं भाई कंस्ट्रक्शन वालों को लेने के लिए। हाँ फ्रैंकलिन सही कह रहे हो, चलो आ जाओ जल्दी से। ठीक है भाई चलो, यहाँ पे इससे बात हो चुकी है, चलो गाइस अब चलते हैं यहाँ से। आ जाओ शिनचैन जल्दी से आ जाओ, और चॉप यहाँ से बाहर मत निकलना भाई, बहुत ज्यादा अनसेफ है। ठीक है फ्रैंकी भैया मैं बाहर नहीं आने वाला हूँ। तो चलो गाइस अब चलते हैं यहाँ से बाहर। देख रहे हो गाइस 1 2 3 4 5 कितने लोगों को हम लोगों ने मारा है यहाँ पे। चलो आ शिनचैन जल्दी आते जाओ। गाइस यार यहाँ बाहर भी हो सकते हैं, इसलिए संभाल के गन निकालते हुए हम लोग चलते हैं। एंड इधर तो अभी फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, इस तरफ एक बार चेक करें। एंड यहाँ देखो वहाँ एक है लेकिन उसका ध्यान हमारे पे नहीं है। तो ठीक है गाइस जब तक वो वहाँ देख रहा है ना, हम लोग यहाँ कार में बैठ के निकल चलते हैं। बैठो शिनचैन जल्दी चलें हम लोग अभी ना लेस्टर के घर पे। एंड देखते हैं गाइस क्या कुछ कंस्ट्रक्शन वालों को यार दिलवा सकता है वो। अगर भाई इतना काम वो करवा देना तो बाकी मैं यार रेडी करवा दूंगा अपने घर को पूरा प्रोटेक्टेड। उसके बाद गाइस हम लोग खाने पीने का ये सब का सब कुछ यार इंतजाम करेंगे। सबसे पहले चल के ना कंस्ट्रक्शन वालों को बोल देते हैं, गन्स हमारे पास हो ही गए हैं, अब बस गाइस कंस्ट्रक्शन वालों को चल के बोल देते हैं कि जब तक वो बनाए तब तक गाइस हम लोग खाने पीने का सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे अपने घर पे। ओके गाइस तो पहुंच चुके हम लोग ऑलमोस्ट लेस्टर के घर पे, चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं। और इसके गली में भी देख रहे हो आज कितनी ज्यादा भीड़ है भाई, यहाँ तक जॉम्बी सब आ चुके हैं। चलो शिनचैन जल्दी आ जाओ भाई उतर के। हाँ फ्रेंड भैया चलो जल्दी से इनके घर में। हाँ भाई आओ फटाफट पीछे पीछे। एंड ये देखो अब भाई तुम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? यार मैं तो वेट कर रहा था तुम्हारा। और भाई तुम्हारे हाथ में ये बेसबॉल यार अपने प्रोटेक्शन के लिए। ये देखो भाई यहाँ पे आ गया था अभी जॉम्बी, ऐसे ही यार जॉम्बीज आते जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो ठीक है भाई आओ फिर फटाफट, इसका भाई परमानेंट इलाज हम लोग ढूंढा जाए। आ जाओ जल्दी से पीछे पीछे भाई, मेरे पास गन है अब भाई, मेरे सामने कोई भी नहीं आएगा। आ जाओ जल्दी से कार में बैठो तुम। ओके गाइस तो आ गया है ये, और भाई ये तो यार अपने हाथ में बेसबॉल लेके ही चल रहा है। एक मिनट यार यहाँ आसपास कोई जॉम्बी दिखाई दे रहा है, रुको गाइस इसे खत्म करते हैं। और यहाँ एक और है, इसे भी जल्दी से खत्म करते हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे कैमरा लेके यहाँ पे आता जा रहा है। चलो गाइस यहाँ पे इसे भी हम लोगों ने मार दिया। बैठ गए भाई तुम अंदर? हाँ फ्रैंकलिन मैं तो बैठ चुका हूँ। और शिनचैन कहाँ गया? बैठो यार शिनचैन तुम क्यों इधर उधर टहल रहे हो? फ्रैंकी भैया मैं देखने गया था यार वो जॉम्बी को। अबे भाई ज्यादा तुम इंटरेस्ट मत लो यार इन सब चीजों में, मैं देख रहा हूँ ना शिनचैन तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। चलो गाइस जल्दी से अब चलते हैं ना कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहाँ से गाइस कंस्ट्रक्शन वालों को लेकर के जल्दी से चलते हैं अपने घर पे वापस। ओके गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे यहाँ। एंड देखते हैं गाइस यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वाले थे वो सब तो जॉम्बी नहीं बन गए। रुको गाइस यहाँ पे एक आदमी दिखाई तो दे रहा है लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है शायद। अब भाई कहाँ मिलेंगे यार वो लोग? फ्रैंकलिन भैया ढूंढो यार यहीं के आसपास होंगे। भाई तुम्हारे पास किसी का नंबर नहीं है यार लेस्टर? भाई नंबर ढूंढने दो रुको, शायद मेरे पास किसी का नंबर हो सकता है। हाँ भाई अगर हो तो यार जल्दी से बुलाओ फोन करके। गाइस जैसे लेस्टर जॉम्बी नहीं बना है वैसे ही
गाइस और कंस्ट्रक्शन वाले भी हो सकते हैं गाइस जो जॉम्बी ना बने हो। हाँ तो भाई हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, जल्दी बुलाओ भाई, अगर कोई है तो फटाफट उसे बुलाओ यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे लेस्टर ने एक लोग को बुला दिया है, बैठो भाई फटाफट बैठो। चलो गाइस, ये आदमी तो कम से कम नॉर्मल है, क्यों भाई नॉर्मल हो ना? हाँ हाँ फ्रैंकलिन, मैं तो नॉर्मल हूँ। अबे भाई तुम मेरा नाम भी जानते हो? हाँ यार जानता हूँ यार, लेस्टर जानता है ना तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, चलो फिर सही है। चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं घर पे। भाई देखो मैं अपने घर पे यार एक पूरा प्रोटेक्टेड एरिया तैयार करवा रहा हूँ, इसमें भाई तुम लोग रहना चाहो तो रह सकते हो और बाकी कोई भी रहना चाहे तो रह सकता है भाई। जैसे जो लोग नॉर्मल बचे हुए हैं लॉस एंड्रोस में, उन लोग को हम लोग रख लेंगे। भैया लेकिन कैसे आप देखोगे यार कौन नॉर्मल है? हाँ भाई ये तो सोचने वाली बात है यार, उसे ना भाई हम लोग कुछ देर के लिए पहले इंस्पेक्ट करेंगे अच्छे से, उसे भाई यार देखेंगे एकदम गौर से, अगर भाई उसमें थोड़ा भी डाउट लगेगा तो निकाल देंगे और अगर नॉर्मल रहेगा तो उसे रखेंगे अपने घर पे। अच्छा ठीक है फ्रैंक भैया, फिर सही है। हाँ तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने घर पे पहुँचते हैं। देख लो गाइस रास्ते भर में भाई जॉम्बीज ही जॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं हर तरफ। गाइस ऐसा लग रहा है पूरा मेला लगा हुआ है यार। देखो गाइस यहाँ पे इसे ठोकर भी लगी ना तो भी गाइस इससे कुछ होगा नहीं, मतलब इन लोग में इतना पावर है। मतलब देखो गाइस उठ के खड़ा हो गया वापस से और फिर वापस से अटैक करेगा जैसे ही भाई मैं बाहर निकलूंगा। चलो गाइस चलते हैं अब जल्दी से घर पे एंड देखते हैं गाइस कैसे पूरा एरिया तैयार हो सकता है अपना। ओके गाइस तो आ चुके हैं हम लोग भाई सारे लोग घर पे। चलो गाइस यहाँ पे कार को लगाते हैं और ये देखो यहाँ पे गाइस एक जॉम्बी यार यहाँ पे गिरा हुआ है। ये गाइस जॉम्बी पता नहीं जिंदा है कि मरा हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ गाइस ये देख सकते हो मैं 100% श्योर हूँ एक जॉम्बी था। इसके मुंह पे भाई पूरा ब्लड लगा हुआ है, ये दोनों में हो सकता है गाइस फाइट वाइट हुआ होगा। लेकिन यहाँ आस पास अभी एक यहाँ से देखो आ रहा है। चलो गाइस इसे जल्दी से मारते हैं। अब भाई देखो यार जल्दी से यही मेरा घर है और फटाफट भाई तैयार करो एकदम अच्छे से भाई, पूरा प्रोटेक्टेड एरिया बना दो मेरे घर को। चलो आ जाओ लेस्टर जल्दी तुम बाहर निकलो भाई, यहाँ पे हम लोग अंदर चलते हैं। ओके गाइस तो यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने भाई कुछ यार तैयार किया है यहाँ पे, ये फेंस टाइप का। सर आपने बिल्कुल सही किया यार। एंड यहाँ पे देखो गाइस मैं आपको पूरा घर एक बार टूर दे देता हूँ। भैया अब तो जॉम्बी इस घर के अंदर नहीं आएंगे। भाई नहीं यार अब आना तो नहीं चाहिए यार किसी भी जॉम्बी को घर के अंदर। देख लो गाइस चारों तरफ से फेंस लग चुका है, कहीं से भाई कोई रास्ता नहीं है। फ्रेंगे भैया अगर फिर भी कहीं से आ गया तो? अब भाई चांसेस तो नहीं है यार कहीं से आने के, और अगर आ गया तो भाई फिर से इनसे काम करवाएंगे यार और अच्छा बनाएंगे फिर और बेटर। फ्रेंगे भैया अभी तो फिलहाल कहीं भी जॉम्बी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ भाई फिलहाल तो कहीं भी जॉम्बी नहीं है, पर भाई अरे एक मिनट, अब भाई ये क्या मजाक चल रहा है? फ्रेंगे भैया ये कहाँ से अंदर घुस गया? अब भाई रुको यार मुझे बाहर भागने दो जल्दी से। गाइस यार हम लोग घर के अंदर ना गन चला नहीं सकते, तो रुको भाई जरा बाहर आने दो इसे। एंड यहाँ पे गाइस हमने इसे गोलियों से भून दिया है। क्या भाई ये अंदर कैसे आ गया? पता नहीं फ्रैंकलिन भैया ये अंदर कहाँ से घुसा? भाई बताओ यार ये कहाँ से आ गया यार अंदर? यार फ्रैंकलिन पता नहीं यार कहाँ से सुराख बचा हुआ है। भाई देखो यार जल्दी ये फिक्स करो। वैसे तो गाइस यहाँ देखो ये जैसे बाहर एक डॉग है, ये अंदर नहीं आ सकता, हम लोग यहाँ पे आराम से खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई यार ऐसा लग रहा है मुझे ना कि ऐसे यहाँ से कूद के कोई आया होगा। हाँ गाइस जैसे यहाँ देखो गाइस यार ये देखो यहाँ एक जॉम्बी थी जिसे हम लोगों ने मार दिया। फ्रैंकलिन भैया इसका मतलब कि ऐसे ये लोग आए हैं यहाँ पे? हाँ सही कह रहे हो सिंचन, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। फ्रैंकलिन भैया लेकिन ये फेंस तो बिल्कुल सही बना है। हाँ भाई ये फेंस सही बना है, पर ये क्या? अबे भाई ये दरवाजा लॉक करो यार, ये ऐसे खुला रहेगा क्या? ऐसे तो भाई ये डॉग अंदर घुस जाएगा और देखो घुस क्या जाएगा भाई ये अंदर घुस गया। अरे जल्दी रिलोड करो यार और इसे मारो जल्दी से। गाइस यार अच्छा हुआ यार मार दिया हमने सही टाइम पे। क्या भाई ऐसे करोगे तब तो गाइस हम लोग गए। यहाँ देखो गाइस ये वाला दरवाजा लॉक नहीं किया इसने। रुको गाइस सबसे पहले इसे लॉक करते हम लोग, और भाई कुछ और बेटर करो यार ऐसे नहीं काम चलेगा। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन रुको मैं देखता हूँ। हाँ भाई प्लीज जरा ये सब ना शिफ्ट करो, तब तक भाई मैं जाता हूँ ना कुछ खाने पीने का सामान लेके आता हूँ। फ्रैंकलिन भैया और अपने घर में लाइट भी नहीं है। हाँ भाई लाइट नहीं है यार उसका क्या किया जाए? गाइस वहाँ पोल से तो अपने घर में आती है कनेक्शन, एक बार रुको गाइस वहाँ पोल पे चढ़ के देखें, शायद गाइस यहाँ से अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग यार क्या पता बना पाए। फ्रैंकलिन भैया लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लैडर चाहिए ना? हाँ भाई लैडर तो चाहिए यार, कैसे पहुंचेंगे उतना ऊंचा? रुको गाइस कहीं से यार सीढ़ी वगैरह का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। ओके गाइस तो ये देख सकते हो यहाँ पे लैडर हमने एक लगा लिया, अपने घर में ही था। अब भाई यहाँ पे जॉम्बीज तो नहीं है? फ्रैंकलिन भैया अभी तो जॉम्बीज नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है भाई जरा चेक करते हैं यार, क्या पता वहाँ पे यार हम लोग कुछ करें तो शायद भाई लाइट आ जाए। हाँ फ्रैंकलिन भैया एक बार चल के चेक करो। बिल्कुल भाई रुको मैं चलता हूँ इस पे। ओके गाइस तो इतने ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, देख रहे हो यार कितनी हाइट पे हैं। सिंचन तुम अंदर
चले जाओ, मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे कुछ लाइट का। वैसे गाइस हमें संभाल के कुछ यार इसे बनाना पड़ेगा, देखते हैं गाइस यहाँ पे लाइट वाइट आ रही है कि नहीं। एंड ये देखो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ किया और यहाँ देख सकते हो यार लाइट आने लगी है। रंगीन भैया फिर जल्दी से अपने घर में बुलाओ इसे। हाँ भाई मैं ट्राई करता हूँ, इसे जल्दी से अपने घर में भी आ जाए तो सही हो जाएगा। और सिंचन जरा एक बार जाओ यार घर में जाके चेक करो तो। ठीक है फ्रेंगे भैया मैं जाता हूँ, आप वहीं पे रहना। चलो गाइस चलते हैं जल्दी से अंदर। हाँ भाई जल्दी जाओ यार और फटाफट जरा संभाल के। हाँ फ्रेंगे भैया मैं देख रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ मैं देखने के लिए। चलो गाइस अंदर चलते हैं। और हाँ फ्रेंगे भैया लाइट तो आ गई है। भाई क्या बात है यार, मतलब मैंने यार सही काम कर दिया। हाँ फ्रेंगे भैया आपने बिल्कुल सही किया है। हाँ तो सिंचन अब मैं आ जाऊँ ना। हाँ फ्रेंगे भैया आ जाओ यार, अब हमारे घर में लाइट आने लगी है। ठीक है भाई चलो बहुत बढ़िया हुआ। और ये क्या यार यहाँ पे एक जॉम्बी है। फ्रेंगे भैया जल्दी आओ यार मुझे बचाओ। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ यार, तुम तब तक घर में जाओ ना, घर के अंदर चले जाओ। ठीक है फ्रेंगे भैया मैं यहाँ छत पे चला जाता हूँ। हाँ भाई छत पे चले जाओ बिल्कुल सही रहेगा। ओके गाइस तो हम लोग यहाँ से यार पैर फिसल गए और नीचे गिर चुके हैं, चलो चलते हैं जल्दी से। अरे फ्रेंगे भैया वहाँ पे तो एक डॉग है। भाई क्या बात है यार, मतलब फाइनली तुमने इस गन का यूज किया। फ्रेंगे भैया जल्दी मुझे बचाओ। अब भाई ये बंदा कहाँ से आया यार, इसके पास तो एक चाकू भी है। हाँ फ्रेंगे भैया चलो मैंने इसे मार दिया। बहुत सही यार, इसीलिए मैंने तुम्हें गन दिया था। चलो गाइस गन मैंने भी उठा लिया है। और ये कहाँ से आ गया? अबे भाई ये कहाँ से घर में आ जा रहे हैं यार, तुम कुछ करो। हाँ फ्रेंकिन मैं कुछ करता हूँ यार। हाँ तो ठीक है भाई यहाँ पे लाइट घर में आ चुकी है। और अब गाइस चलते हैं ना, बस खाने पीने का सामान बस लेके आते हैं जल्दी से। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे सारी तरफ अब उजाला हो ही चुका है। अब जल्दी से चल के ना खाने पीने का सामान लाते हैं यार, क्योंकि भूख बहुत लगी है और घर में कुछ भी खाने का नहीं है। और वो भी गाइस हम चार लोग हैं घर में। चार कहाँ फ्रेंकिन भैया, हम तो यार पांच लोग हैं। हाँ सही कह रहे हो यार, पांच लोग, चॉप को तो मैंने छोड़ ही दिया। ओके गाइस तो देख सकते हो यहाँ पे हम दोनों लोग बैठ चुके हैं। चलो फ्रेंकी भैया जल्दी चलो फिर कहीं से लेके आते हैं खाने पीने का सामान। बिल्कुल भाई चलते हैं। और मुझे नहीं लगता यार कि हमें कहीं पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों फ्रेंकी भैया पैसा क्यों नहीं देना होगा? भाई क्योंकि यार देख रहे हो यार हम लोग वहाँ जो गए थे एम्यूनेशन पे, वहाँ हमें कोई नहीं मिला ना। हाँ फ्रेंकी भैया वहाँ वाला तो ओनर था ही नहीं। हाँ तो ऐसे ही भाई जहाँ भी जाएंगे ना हमें कोई मिलेगा नहीं मुझे लगता है। चलो चल के चेक कर लेते हैं, 24/7 चलते हैं, वहाँ गए सारा सामान मिल जाएगा। और वो भाई 24 आवर्स सातों दिन खुला रहता है। तो चलो भाई फटाफट वहीं चले हम लोग। ऑल राइट गाइस तो पहुंचने वाले हम लोग 24/7, वो देखो सामने आ चुका है शॉप। तो ठीक है फ्रेंकी भैया कार को फिर यहीं खड़ी कर दो और मुझे छोड़ दो यहीं पे। भाई तुम यहीं रहोगे कार के अंदर? हाँ फ्रेंकी भैया मैं यहीं पे रहूंगा। तो ठीक है यार सिंचन तुम यहीं पे रहो, मैं जाता हूँ भाई तुरंत बस सामान लेके आता हूँ। ठीक है फ्रेंकी भैया जल्दी आना और संभाल के जाना। हाँ भाई संभाल के जा रहा हूँ मैं, जल्दी से बस सामान लेके आता हूँ। ऑल राइट गाइस तो यहाँ सामान हमने रख लिया है। सिंचन बाहर क्यों निकले यार? फ्रेंकी भैया जब आप आए तब मैं निकला हूँ। अच्छा ठीक है भाई चलो फिर सही है। भाई कहीं तो मैं जॉम्बी वॉम्बी तो नहीं काटा कहीं से? नहीं फ्रेंकी भैया कहीं भी नहीं काटा है। हाँ तो फिर सही है यार, चलो अब जल्दी से चलते हैं। गाइस हमें काफी संभल के रहना है यार अपने लॉस एंड्रोस में। चल के यार सिंचन हम लोग न्यूज पे देखा जाएगा कि क्या बता रहा है। हाँ फ्रेंकी भैया चलो न्यूज पे आप चेक करना। बिल्कुल भाई चलेंगे जल्दी से चेक करते हैं और देखेंगे भाई कि कितने दिन तक अभी ऐसे ही सब कुछ रहने वाला है। मुझे तो लगता है फ्रेंकी भैया अभी ये बहुत दिन तक रहेगा। अब पता नहीं सिंचन, ये तो भाई न्यूज देख के पता चलेगा। ओके गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग वापस घर पे। और ये देखो पहुँचते ही भाई एक जॉम्बी से हमें टक्कर हुई है। एंड यहाँ पे कुछ चेंजेज इसने किया है शायद। हाँ गाइस लग तो रहा है कि कुछ चेंज किया है। चलो गाइस अंदर चले, अबे ये खुलेगा? नहीं यार ये तो नहीं खुल रहा है। गाइस यहाँ पे देखो शायद ये जो बैरिगेटिंग पूरा लगाया है अब गाइस और भी ज्यादा ये मजबूत कर दिया है। हाँ फ्रेंकी भैया मुझे लग रहा है ये सारे डोर्स और मजबूत हो गए। यहाँ बाहर भाई सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ फ्रेंकी भैया चलो फिर चलते हैं हम लोग अब अंदर। चलो गाइस चले यहाँ से चलने की कोशिश करें। अबे भाई ये कहाँ से आ गया? फ्रेंकी भैया जल्दी इसे मारो। भाई यार ये तो अभी काटने वाला था, मुझे ऑलमोस्ट काट ही दिया था, लेकिन गाइस हमने इसे खत्म कर दिया है। आज सिंचन जल्दी से यहाँ से अंदर चल चलते हैं। मुझे तो भाई एक रास्ता दिख गया अंदर जाने का, अब पता नहीं गाइस सिंचन कैसे आएगा। एंड एक मिनट ये देखो यहाँ पे ये सारे लोग कहाँ से आ गए? भाई माइकल ट्रेवर तुम सब यहाँ पे कैसे? फ्रैंकलिन यार मुझे पता चला कि तुम्हारे घर पे ये एक प्रोटेक्टेड एरिया बन रहा है। हाँ भाई बन तो रहा है, लेकिन तुम्हें बुलाया कौन? यार फ्रैंकलिन हम लोग नॉर्मल लोग हैं यार, हम लोग रह सकते हैं ना। अच्छा ठीक है भाई चलो रह लो यार, जब तक रहना है रह सकते हो। चलो गाइस जरा नीचे चले और सिंचन आ जाओ भाई फटाफट नीचे आओ। यहाँ देखो गाइस ये सब क्या सामान है? फ्रेंकी भैया यहाँ पे तो गन्स रखे हुए हैं। हाँ वही सिंचन, यहाँ पे यार बहुत बड़े बड़े गन्स हैं और ये सारे गन्स शायद इसने लाए हैं। सही है गाइस सही है, तुमने सही काम किया भाई। यहाँ देखते हैं गाइस और क्या क्या है। और भाई यहाँ पे पानी के टैंक्स हैं, ये देखो इसमें पानी भरा हुआ है। सही है भाई पानी की जरूरत भी थी। फ्रेंकी भैया यहाँ पे तो डोनट्स वाला
जाल भी लग गया है। भाई क्या बात है यार, मतलब सब कुछ इसने रेडी कर दिया है, अब कोई कमी नहीं रखी है इसने। कोल्ड ड्रिंक का भी यहाँ पे लगा दिया इसने एक स्टेज जैसा। चलो ठीक है भाई, अब परफेक्ट हो चुका है अंदर से भी सब कुछ। गाइस वैसे अभी फिलहाल तो वैसा ही है, अंदर लाइट आ चुकी है, ये सबसे अच्छी बात है। फ्रेंकी भैया क्या यार, आप तो मुझे गिरा दे रहे हो। अच्छा ठीक है संजन, सॉरी यार, संभल के मैं अब चलूंगा। चलो गाइस और ऊपर चले। एंड यहाँ पे तो अब देखो गाइस किसी चीज की कमी मुझे नहीं लगती है। यहाँ देखो पूरा यहाँ से भी जो ग्लास था ना उसे भी प्रोटेक्ट कर दिया गया है। उसके भी भाई आगे एक या लोहे का ये लगा दिया गया है। सही है गाइस, एकदम परफेक्ट अब बना हुआ है। और देखें गाइस और क्या क्या है यार अपने घर के लिए। यहाँ से तो गाइस कोई अंदर घुस नहीं पाएगा, एकदम ये सही जगह बना हुआ है। यहाँ देखो गाइस, यहाँ जो बाहर डॉग है ये एक जॉम्बी है लेकिन अंदर नहीं आ सकता। तो ठीक है गाइस, अब बताओ यार अपना घर पूरा प्रोटेक्टेड हो गया कि नहीं। हाँ फ्रेंड भैया, अब तो कोई भी अंदर नहीं घुसेगा। तो चलो गाइस, अब इस जॉम्बी एपोकलिप्स में हमने इतना काम कर दिया, वहाँ जो खाने वाला सामान है उसे जल्दी जल्दी सिंचन अंदर लाते हैं वरना वही सब खा जाएंगे। फ्रेंड भैया वो सब खाना नहीं खाते हैं, वो सब तो यार हम ही लोग को खा रहे हैं। हाँ ये तो तुम बात सही कह रहे हो यार, लेकिन लेना पड़ेगा हम लोग के लिए, अपने लिए तो लेना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड भैया चलो उसे लेके आते हैं। बाकी गाइस अब मिलते हैं हम लोग आप लोगों से एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल भाई, टिल देन बाय।